हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयूरा और आपका मयूरा स्कूली रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली आ गई है फ्रेंड्स, और दिवाली के इस शुभ अवसर पर आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन रेसिपी पोहे का चूड़ा। पोहे का चूड़ा आपने कई बार खाया और बनाया होगा, बट इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। हम इसे डीप फ्राई करके बना रहे हैं, तो ये बनेगा काफ़ी टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी। देखिए, आपको पता ही चल गया होगा कि ये काफ़ी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी नमकीन बनने वाला है। तो हम बनाने वाले हैं आज पोहे का चूड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ आधा किलो मूँगफली। मैं यहाँ पे 3 किलो का चिवड़ा बना रही हूँ। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ली है। आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है ड्राई कोकोनट, मैंने 2 सूखा खोबरा लिया है, उसे पतला स्लाइस किया है और उसे गोल्डन होते डीप फ्राई कर लेंगे। मैं एक ही बार तेल डाल रही हूँ और उसी में मैं सब कुछ फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, ऐसे गोल्डन ब्राउन। और अब हम लेंगे फुटाना, या जिसे रोस्टेड चना दाल भी कहते हैं, बहुत सारे लोग दालिया भी बोलते हैं। इसे गैस एकदम धीमी रख के इसे फ्राई करेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। बिल्कुल लाइट फ्राई करना है। इसे डाला और झट से निकाल लिया, ये देखिए, और ये हो गए। अब हम फ्राई करेंगे हरा धनिया। ये करीबन 2 कप हरा धनिया है, इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा संभल के फ्राई कीजिए फ्रेंड्स, इससे तेल काफ़ी बाहर आता है। इसे क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। मैंने फ्रेंड्स स्टेम वाला पार्ट भी लिया है, इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगती है। ये देखिए, क्रिस्प हो गई। अब मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी थोड़ा सा करी पत्ता। और मैंने यहाँ पे लिए हैं 8 से 10 अनियंस, इसको मैंने पतला स्लाइस करके लिया है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इंग्रेडिएंट्स सब आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, जैसे हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक। मैंने यहाँ पे चिवड़ा मसाला लिया है, आप कोई भी चिवड़ा मसाला ले सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं डालना तो आप मत डालिए। ये जाड़ा पोहा है, जिसे हम थिक पोहा कहते हैं, इसे हम यूज़ करते हैं डीप फ्राइंग के लिए। ये मैंने 3 kg लिया है, आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा लीजिए। पोहा फ्राई करते समय फ्रेंड्स, इसको जो तेल है इसको बहुत ही ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, स्मोकी करना पड़ता है, और फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पोहा डालेंगे और ये फूल जाएगा इस तरह से। और इसे हमें पैचेस में फ्राई करना है। ये देखिए, इसे हम निकाल लेते हैं एक अलग बर्तन में। अब ये जब गर्म है, इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और थोड़े सा हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम सारे पोहे को थोड़ा थोड़ा सा तलने वाले हैं और इसी तरह से बैचेस में लेके इसमें नमक और हल्दी पाउडर मिक्स करके इसे रखेंगे। इससे यही फ़ायदा होगा फ्रेंड्स कि हमको अंदाज़ा आ जाएगा कि हमारा पोहा कितना नमकीन, हमें इसका चूड़ा चाहिए। बस इसीलिए हम ये कर रहे हैं, और गरम इसमें नमक अच्छे से लग जाएगा, तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। तो इसी तरह से हम सारे पोहे को फ्राई करेंगे और इसी तरह से हल्दी नमक लगा के इसे बाजू में रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। तो अब जब मैंने सब कुछ तल लिया है, तो अब हम सारे फ्राइड इंग्रेडिएंट्स उसमें मिला लेते हैं। ये मैं डाल रही हूँ फ्राइड मूँगफली। मूँगफली ज़्यादा फ्राई ना करें वरना कड़वी लग जाएगी, बस क्रिस्प होने तक फ्राई करें। ये लिया है मैंने रोस्टेड चना दाल, जो मैंने फ्राई किया है, और खोबरा, ये हरा धनिया और करी पत्ते को थोड़ा हाथ से मैश करेंगे ऐसे, और फिर इसमें मिक्स करेंगे। हाथ एकदम साफ रखिए फ्रेंड्स, और फिर इसमें
मिक्स कीजिए। और हम मिक्स जो कर रहे हैं वो खाने वाली पत्तलों पे कर रहे हैं। अब मैं डाल रही हूँ फ्राइड अनियंस। और हम डालेंगे स्पाइसेस। मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा सा पैकेट चूड़ा मसाला जो मेरे पास था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। 3 kg के लिए इतना छोटा सा पैकेट काफ़ी हो जाएगा। इसमें डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर। ये सब कुछ मैं एज़ पर टेस्ट, एज़ पर हमको जितना तीखा खाना है उसके हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 tablespoon मैं यहाँ डाल रही हूँ। जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक हम लास्ट में टेस्ट करके डालने वाले हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें नमक और हल्दी पाउडर मिक्स करके ही रखा हुआ था। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हमारा पोहे का चूड़ा बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना कलरफुल, कितना क्रिस्पी और कितना टेम्पटिंग लग रहा है। पोहा एकदम लाइट और क्रिस्पी हो गया है फ्राई करने के बाद, ये देखिए। इस दिवाली आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताना कि आपके फैमिली को और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप ये पोहा ठंडा होने के बाद इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी दिनों तक, महीनों तक आप इसे खा सकते हैं। सुपर क्रिस्प और सुपर टेस्टी। तो इस रेसिपी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, उम्मीद है आपको अच्छा लगा ही होगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। तो है मेरी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें और देखते रहें मयूराज फूडी रसोई।